जब भी एक क्यूट सा बंदा लड़कियों के सामने से गुजरता है, लड़कियां कहती है हाय काश ये मेरा बंदा होता। क्यूट बॉयज ना दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको बोलते रहते हैं काश मैं तेरे जैसा होता। एक्चुअली ना क्यूट दिखने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आज आपका भाई समर आपको बताएगा क्यूट कैसे दिखें। आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा क्यूट दिखोगे। लड़कियां कहेंगी हाय भैया मार डाला रे। स्लीप 8 to 9 आवर्स एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो क्यूट दिखने के लिए त्वचा का चमकदार और सुंदर रहना बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई आपको नींद पर्याप्त लेनी पड़ेगी और मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। 8 से 9 घंटे सोने पर और मॉर्निंग में उठने पर आपका चेहरा चमकदार बनता है और वो मुरझाता नहीं है, क्योंकि सोने से बहुत मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और मॉर्निंग में उठना इसका दूसरे पॉइंट से लिंक है। पॉइंट नंबर 2 मेडिटेशन और योगा। पिछले पॉइंट में मैंने आपकी नींद इसलिए खराब की, यानी आपको मॉर्निंग में इसलिए उठाया ताकि आप मेडिटेशन और योगा कर सको, बिकॉज इससे मेंटली तो बहुत ज्यादा फायदा है ही, बट फिजिकली भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमकदार होता है। आप अगर योगा और मेडिटेशन करते हो तो काफी ज्यादा एज होने के बाद भी आप यंग लगोगे। सो अगर आपको क्यूट दिखना है तो मॉर्निंग में मेडिटेशन और योगा स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 3 बियर्ड को बहुत छोटे शेप में रखो या फिर रखो ही मत। जैसे आप देख सकते हो मैंने अपने बियर्ड को कितने छोटे शेप में रखा है। अगर आपको क्यूट दिखना है तो बाबा जी की तरह दाढ़ी रखोगे तो क्यूट नहीं दिखोगे, राइट? क्यूट दिखने के लिए अपने बियर्ड को बहुत ही छोटे साइज में रखो, जस्ट लाइक 1 नंबर पे, या फिर उसकी सुपारी लेके टपका डालो। अबे लौंडो टपका डालो मतलब टपकाने मत लग जाना खुद को, मतलब शेव कर लो, समझे? तो या तो शेव करके रखो या फिर छोटे छोटे बियर्ड रखो, बहुत क्यूट लगोगे। पॉइंट नंबर 4 नो फैब करो। अब ये फिर से मैं पुराना माई टिप्स टीवी बनता जा रहा हूँ, बट रियलिटी यही है कि भाई नो फैब बहुत ज्यादा फायदा करता है हैंडसम लुक देने में, क्यूट लुक देने में। तुम्हारा मरा हुआ चेहरा जिसको हरा भरा कर देगा नो फैब, तुम्हारा सूखा पड़ गया चेहरा जिसको ग्लोइंग स्किन देगा नो फैब, तुम्हारे गाल पिचके हुए हैं जिसको खत्म करेगा नो फैब, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स आते हैं जिसको खत्म करेगा नो फैब। इन शॉर्ट आपके चेहरे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका चेहरा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप नो फैब करते हो तो। सो अगर आपको क्यूट दिखना है तो आपको नो फैब करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 ड्रेसिंग सेंस। देखो क्यूट दिखने के लिए अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना अनिवार्य होता है। जैसे मेरा चेहरा गोरा है और मैंने ब्लैक शर्ट पहना है तो इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का एंड अच्छा लग रहा है। अगर आपका ड्रेस अट्रैक्टिव रहता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके चेहरे पे दिखता है, आप भी अट्रैक्टिव दिखते हो। पॉइंट नंबर 6 लिप्स को पिंक करो। अगर तुम दिखना चाहते हो क्यूट तो लिप्स को पिंक करना बहुत जरूरी होता है। पिंक लिप्स खुद ही में क्यूटनेस की निशानी है। तुम्हारे लिप्स जो है काले पड़ गए होंगे, या तो तुम बहुत ज्यादा सुट्टा मारते हो या फिर बहुत ज्यादा चाय पीते हो, तो काले लिप्स को अगर गुलाबी करना है तो कुछ टिप्स हैं। रात को सोने से पहले बादाम के तेल से रेगुलर अपने होठों को मसाज करो। अनार के कुछ दानों को बारीकी से पीस दो, उसमें गुलाब जल मिला दो, उसमें दूध मिला दो, पेस्ट बना लो, उसको हल्के हाथों से अपने होठों पर लगाओ, एकदम नेचुरल कलर आएगा। पॉइंट नंबर 7 फेस वॉश सनस्क्रीन ये सब यूज करें। देखो नेचुरली हमारा स्किन बहुत अच्छा होता है, बट हम बाहर जाते हैं धूप में घूमते हैं, गर्दा वर्दा सब कुछ पड़ता है। सो हमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फेस वॉश सनस्क्रीन इन सब चीजों को, एंड ऑल्सो कुछ ऑयल वगैरह आते हैं जिसको अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपको गोरा त्वचा मिल जाएगा। तो अगर आपको क्यूट दिखना है तो मार्केट से ये सब चीजें खरीदो। इससे होगा ये कि आपका त्वचा हमेशा जवान रहेगा, एकदम निखरा हुआ रहेगा, बिल्कुल भी डल नहीं लगेगा, काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा और आप क्यूट लगोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वारीज है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो वहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, एंड भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें यार, जाओ इंस्टाग्राम फैमिली को ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।